रीसेलिंग मार्केट में इसी शूज का प्राइस 25,000 to 30,000 है। सू है क्या? हाँ सू तो ऐसे कर दिया। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे ब्लॉग चैनल मिलावटी ब्लॉग पे, जहाँ पे मैं मिलावटी कंटेंट डालते रहता हूँ, जो मन किया वो डालते रहता हूँ। तो आज का कंटेंट है एक शूज के ऊपर, एक स्नीकर्स के ऊपर, और जिसके लिए मैंने छुट्टी भी दिया हुआ है भाई। जैसे ही मेरे को मैसेज आया कि आज डिलीवर होने वाला है, मैं अभी तक काम में नहीं गया हूँ। आज का दिन पूरा इसी पे देने वाला हूँ, अनबॉक्सिंग करेंगे। और जूते आप देख लेना, बहुत ही लिमिटेड एडिशन शूज है और एक्सपेंसिव तो है ही भाई, बट ताबड़तोड़ दिखते भी हैं, ठीक है? तो आने दो, आने तक का वेट करता है। नाम है एडिडास एडिफोम क्यू, और ये आप देख लेना यार, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता, बस मेरे को अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर कर दिया, बस और कुछ भी नहीं पता, ज़्यादा डिटेल में मेरे को भी नहीं मालूम है। क्या है सू है क्या? हाँ सू तो ऐसे कर दिया। अरे ये लिमिटेड एडिशन शूज है ये। जी जी इसको चेक करना पड़ेगा मेरे को कि ये, हाँ ये वाला होना चाहिए बस। हाँ ठीक है, शूज है वही बहुत है। तो ये देख लो गाइस, ये वाले डिब्बे में आया है और पूरा टूटा फूटा डिब्बा था। ये देख लो, सेम ऐसे ही कंडीशन पे था। डिब्बे का हालत देख लो आप, एडिडास का है बट। और एक वीडियो मैंने और देखा हुआ था यूट्यूब पे, वो बंदा डाला हुआ है, वो शूज़ का डालता है, उसका भी ऐसे ही पैकेजिंग होके आया हुआ था। तो मैं पहले से ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसे ही आएगा, और ये रहा भाई हमारा शूज़। ये देखो आप, इससे हमको मतलब है, डिब्बे से कोई मतलब नहीं है। अब ये हमको इसको निकालेंगे तो ये रिटर्न नहीं होगा। उसमें लिखा हुआ था कि आपको जो भी करना है इसको लगे रहने देना है। ये निकला तो ये रिटर्न नहीं होने वाला। तो हम देख लेंगे कि ये पहले ओरिजिनल, तो भाई मैटेरियल अगर देखें तो लग तो नहीं रहा कि डुप्लीकेट है, और लुक वाइज भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। वाइट दिख रहा था जब मैं ऑर्डर किया था, बट ये वाइट नहीं होता, ये हल्का सा ब्लू है ये वाला। और एक पीस ये रहा, ठीक है। ये दोनों साइज बहुत बड़ा है भाई शूज़ का। और इसमें और क्या क्या रहता है अंदर का देख लेते हैं, सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है देख लेते हैं भाई, क्योंकि महंगे बहुत हैं और हम लोग फर्स्ट कॉपी तो नहीं लग रहा है भाई, कोई एंगल में ओरिजिनल ही लग रहा है ना। इसको छू के भी देखना, एकदम सॉफ्ट है पूरा ये वाला, है ना। ओरिजिनल अगर फर्स्ट कॉपी रहता तो ये टाइट रहता है पूरा, ये पूरा दब रहा है, ये पूरा स्मूथ है। और देख लो आप, ये पीछे एक एडिडास का लोगो है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडी प्लस, और अच्छा लग रहा है यार। और डिब्बे में क्या क्या है ये देख लो, डिब्बे में ये वाला एक है आपका, और ये बील है शायद तक, ये वाला ये बील है, और ऐसा कुछ और तो है नहीं यहाँ पे जिससे हम लोग देख पाए। बाकी मटेरियल तो अच्छा है यार। अब चलो पहन के चेक करते हैं इसको, है ना, पहन के चेक करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है यार। ये तो इसका, ये स्कैनर को हम लोग स्कैन करके देखते हैं, इससे शायद तक कुछ पता चले। बट भाई ठीक ही है यार, ज़्यादा डाउट करना भी सही नहीं है, पहन के देखते हैं इसको। तो अभी मैंने एक YouTube वीडियो पे देखा कि ओरिजिनल कैसे है, कैसे पता करें, तो वो लिख रहे हैं कि जो बॉक्स में एक आर्टिकल नंबर रहता है, आप लोग उसको मैच करना, वो शूज़ के आर्टिकल नंबर के साथ मैच होना चाहिए। मतलब ये देख लो आप, यहाँ पे आर्टिकल नंबर लिखा हुआ है HQ4322, और यहाँ पे डिब्बे में लिखा हुआ है, कहाँ गया ये रहा आर्टिकल, HQ4322। तो इससे तो अब भाई ओरिजिनल ही है यार, ज़्यादा क्या दिमाग ख़राब करना, पहनते हैं चलो अब इसको। बस अब मेन दिक्कत क्या है कि 9 नंबर शूज़ मैं पहनता हूँ और ले आया हूँ 10, तो ज़्यादा ढीला फील नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं रिटर्न भी करूँगा तो मेरे को अखरेगा भाई, क्योंकि 9 नंबर का शूज़ अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड एडिशन शूज़ है। तो भाई रीसेलिंग मार्केट में अवेलेबल है, और रीसेलिंग मार्केट में इसी शूज़ का प्राइस 25,000 to 30,000 है, इसी शूज़ का प्राइस। और मेरे को देखो आप कितने में मिला, आप यहाँ पे देख लो, 11,000 रुपये में, 11,000 रुपये में ये अवेलेबल है, बट रीसेलिंग मार्केट में इसी का कीमत डबल रेट है भाई ये जूते का। अब चलो पहना जाए साइज। तो ये रहा गाइस कुछ ऐसा दिख रहा है, और भाई साइज देखो आप,
भाई बीस्ट है भाई, ये बीस्ट कम खतरनाक दिख रहा है यार। ये पीछे देखो कितना निकला हुआ है, यहाँ पे क्या लकीर है, नहीं होता। ठीक ठीक तो भाई ये अभी तक का मेरे कलेक्शन का सबसे एक्सपेंसिव शूज है। और भाई मज़ा आ गया पहन के, भाई मज़ा आ गया, सही बता रहा हूँ, अलग ही फीलिंग है भाई। कम बड़ा लग रहा है मेरा टांग, बहुत बड़ा लग रहा है यार ये। मतलब ये सब पैंट फॉर्मल में बहुत ऑड लग रहा है ये, इसके नीचे मतलब कार्गो पहनना पड़ेगा मेरे को, तो जाके ही ये सही लगेगा। नहीं तो इसमें तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को हाथी वाथी का बीमारी है, जो होता नहीं है वैसा। कम बड़ा है भाई, ये बीस्ट है भाई, मज़ा आ गया। और कंफर्टेबल भी है, मस्त एकदम सॉफ्ट। ये देखो आप कैसा दिख रहा है, तो मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। और काम करने का मन नहीं करता मेरे को, एक ऐसा रहता है कि जो चाहिए वो चाहिए, नहीं तो मेरा रात को नींद भी नहीं आते मेरे को, मैं सही बता रहा हूँ। और मेहनत भी उसी के लिए ही करते हैं यार कि ऐसे शौक पूरे कर पाए। और मज़ा आ गया भाई, मतलब जेन्युइन है प्रोडक्ट। अब भाई फीलिंग आ जाता है, मालूम है ना कि इतना सॉफ्ट है ये। इसका एक मतलब बढ़िया करके एक रिव्यू दूंगा मैं, देखो अभी तक मैं ना निकाला नहीं हूँ ये वाला को, निकाला नहीं हूँ, बट अब निकालूंगा। क्योंकि मेरे को पहले डाउट था कि यार 10 नंबर परफेक्ट होगा नहीं होगा, ज़्यादा ढीला तो नहीं होगा, बट ढीला वीला बिल्कुल भी नहीं है। आप एक साइज बड़ा ही लो, अगर 9 लगता है तो 10 लो। और इसका एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, बहुत जल्द बनाऊंगा भाई। ये मतलब फेवरेट शूज़ है भाई मेरा, सही बता रहा हूँ मैं। अब नहीं चाहिए, अब सही में कुछ भी नहीं खरीदूंगा मैं। हर वीडियो में बोलता हूँ कि अब बस हो गया, अब कुछ नहीं खरीदेंगे, बट अब जूते के मामले में तो कुछ भी नहीं खरीदना है, हो गया यार, बहुत स्नीकर्स बहुत है मेरे पास, तो अब हो गया बस।